श्री गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। देख सकते हो सनराइज़ कितना मस्त दिख रहा है। और यहाँ पे वो पीछे वाला पेड़ भी उग चुका है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में उगाया था, और ये वाला पेड़ तो मैंने काट लिया है, तो यहाँ पर अभी कोई पेड़ है नहीं। और सुबह भी कर लेते जल्दी से, यहाँ पर सुबह भी हो चुकी है और यहाँ पर सन गायब हो चुका है। तो बेड को मैं इस तरफ लगा देता हूँ और डिस्काउंट पॉइंट भी इसमें सेट कर देता हूँ, तो डिस्काउंट पॉइंट भी सेट हो चुका है। और यहाँ से नीचे चलते जल्दी से, यहाँ पर जॉम्बीज भी है इस घर में, तो वो शीट एक विलेजर हमारा जॉम्बी बन चुका है। तो अब यहाँ पे ये वाला पेड़ तो अभी नहीं उगा है, ये वाला पेड़ ऐसी है। तो यहाँ पे अपना घर कुछ ऐसा दिख रहा है जो मैंने बनाया था अपने पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर लगा देते एक स्टोन तो इससे और सही लगेगा। यहाँ पे लगा दिया मैंने एक सैंड स्टोन, और यहाँ पर कुछ ऐसा मैंने टॉर्च भी लगा दिया, यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है अपने घर। और फिर यहाँ पे मुझे सब सामान भी ऐसे शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो एक स्टेयर लगा देता हूँ यहाँ पर और चेस्ट, और यहाँ पे मुझे सब सामान मेरे बाहर ही है, तो मुझे सब सामान एक एक करके यहाँ पे लाने पड़ेंगे। तो चलो जल्दी से यहाँ पे ले आता हूँ मैं सबको। और ये रहा अपना एक्स, और सब कुछ मैंने पूरे सामान की एकदम बारिश हो चुकी है, और सब सामान मैं जैसे जल्दी से शिफ्ट कर देता हूँ। और मैंने एक और सामान हो गया, और यहाँ पे इसमें से इस चेस्ट में से पूरा बारिश हो गया सामान का, बस कोई विलेज में सामान चुरा ना ले। यहाँ पे एक और चेस्ट लगा देता हूँ, उसको मैं डबल चेस्ट बना देता हूँ, एकदम मस्त लगेगा अभी। और यहाँ पे सब सामान मैंने शिफ्ट भी कर लिया है इसके अंदर। और यहाँ पे लगा देता हूँ अपना कैक्टस वाला पौधा, तो उसके लिए पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसके नीचे एक टेराकोटा लगा दूँ, तो इससे और अलग सा लुक मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं जैसे कैक्टस, और ऐसे ही सेम चीज़ मैं इस तरह भी कर देता हूँ, और ये भी हो गया। और दरवाज़ा के पास भी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ये लगा दूँ टेराकोटा। तो अभी ऐसा दिख रहा है अपना घर, तो अभी यही चलते हैं अंदर। और यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा फर्नेस भी, और यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग का भी लगा दिया और एक फर्नेस जल्दी से बना देते हैं। तो ये बन गया अपना फर्नेस, और फर्नेस को भी जल्दी से यहाँ पे रख देता हूँ, तो फर्नेस भी रखा गया। और यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है अपना घर अभी। और यहाँ पे बनाया था मुझे अपना प्रेशर प्लेट, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, ये बार बार हम लोग कैसे ओपन करना पड़ेगा इसको हाथ से, तो ऐसा प्रेशर प्लेट लगेगा तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे एक लैडर भी है, इसको भी ले लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक भी विंडोज़ नहीं बनाया, तो मुझे पहले यहाँ पे विंडोज़ ही बनाना पड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले तोड़ के मैं लगा देता हूँ अपना स्टेयर, अभी ये कुछ ऐसा लुक आ रहा है जो कि काफ़ी मस्त लग रहा है। और चलो यहाँ से काम करते हैं। और यहाँ पर जल्दी से हम लोग यहाँ पर सब सैंड को बदल देते हैं एक अच्छे से सैंडस्टोन से, जिससे ये काफ़ी मस्त लगेगा। तो ये भी मैंने कर दिया है, अब हम लोग अपनी तरफ सामान ले लेते हैं। तो यार अब मैं जाऊँगा और बनाऊँगा अपना एक मस्त सा फार्म, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे फेंसेस की जरूरत पड़ेगी और फिर बहुत सारी लकड़ियों की भी। तो जल्दी से हम लोग काम शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने फेंसेस भी बना लिया है, और एक यहाँ पे और स्टिक्स भी बना लेता हूँ मैं, और यहाँ से बनाना पड़ेगा मुझे और फेंस। यहाँ से मैंने लकड़ी ले लेता हूँ मैं काट के इस पेड़ को, तो चलो ये भी हो गया अपना। और फिर यहाँ से इसमें से एक भी मुझे लकड़ी, एक भी पेड़ हम लोग को ऐसे गिरते हुए नहीं मिला, तो चलो बाद में उसका देखेंगे क्या करना है। तो फिर यहाँ पर मेरे को शुगर केन का मुझे पौधा दिख रहा है, पहले ये विलेजर कुछ देगा नहीं, ये विलेजर तो सब कुछ बहुत महंगे बेच रहा है। तो ये रहा यहाँ पे शुगर केन का पेड़, तो इसको अच्छे लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते सोचा, ताकि और जल्दी हो गया और चलो उनको बहुत कुछ मिल सके। यहाँ पे एक और कहाँ गया पेड़, अच्छा एक पानी में गिर गया, तो उसको पहले लेके आता हूँ मैं, ये भी लग गया। और चले चलते आप अपने घर के पास। और फिर यहाँ पर इस पेड़ से तो मुझे एक भी पेड़ नहीं मिला जिससे मैं इसे उगा पाऊँ, तो बाद में देखेंगे इसको, अभी चलते हैं अपने घर के पास। तो ये पेड़ भी काफ़ी सुंदर लग रहा है उगने के बाद, तो चलो भाई चलते हैं अपने घर के पास। तो ये पेड़ एकदम मस्त उग चुका है, देख सकते हो कितने मस्त लग रहे हैं। इस पेड़ के ऊपर से अपना कुछ ऐसा व्यू मिलेगा अपने घर का। और शाम हो चुका है फिर से, और यहाँ पर फिर से सन गायब हो चुका है, आज सन है ही नहीं यहाँ पर। तो चलो काम शुरू करते हैं, अभी मैं सो तो नहीं सकता। और मैं ये कह सकता हूँ मैं कि ये बेड को मैं यहाँ बीच वाली छत पर लगा दूँ, यहाँ पर एकदम मस्त लग रहा है। और यहाँ से अपना विंडोज़ का कुछ ऐसा लुक आ रहा है घर का। और जल्दी से मैं पहले सो जाता हूँ और सुबह कर लेता हूँ, तो सुबह भी हो चुकी है। और चलते हैं इसे नीचे, और अभी हम लोग यहाँ पे फार्म बनाएंगे, उसके लिए हम लोग को बहुत एकदम प्लेन जगह चाहिए। तो प्लेन जगह के लिए पहले मैं अपने स्टोन्स लेके आता हूँ जो मैंने चेस्ट में रखे हैं। तो सोच रहा हूँ कि मैं किसको स्टैंड से ही बनाऊँ, कि जो फालतू का स्टैंड पड़ा उसी से बना लेते हैं। तो चलो जल्दी से हम लोग बनाएं, मैंने फेंसेज ही बना लिए, तो 11 फेंस मेरे पास हो चुके हैं टोटल। और चलो यहाँ से बनाते हैं, पहले जगह को प्लेन करते हैं। और ये रहा यहाँ पर, एक मिनट पहले अपने स्टैंड ले आऊँ मैं, ये सब और ये रखा थी। ओ शिट, ये तो नीचे चला गया भाई, की कैसे था यार। तो यहाँ पे जो भी मैं सैंड लगा वो नीचे ही चल जाएगा, तो मुझे इसके लिए स्टोन ही लगाना पड़ेगा, कि सैंड से हमारा कम हो नहीं सकता। तो इसको मैं जल्दी से आप क्लीन कर लेता हूँ सबको हटा के, तो शवल से तो जल्दी जल्दी हट जाएंगे, तो मैं शवल से हटा लेता हूँ। फेंसेस भी यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं जैसे कि आप पूरी करें, और यहाँ पर मैं ऐसे लगा देता हूँ। इस फेंस को मुझे एक ब्लॉक दूर रखना पड़ेगा, तब सही लगेगा ये, तो हो गया अपना काम। और यहाँ पर एक ब्लॉक तोड़ के मैं टेराकोटा लगा देता हूँ, वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा यहाँ पर। तो ये मैंने लगा दिया टेराकोटा भी, अब मुझे यहाँ पे दरवाज़ा बनाना पड़ेगा इसीलिए, तो दरवाज़ा बना के दरवाज़ा मैंने बना लिया है। और चलो जल्दी से दरवाज़ा लगा इसके अंदर, और ये भी एकदम मस्त लग रहा है। तो चलो अब अपने लोग थोड़ा सा उसमें काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि दो डोर्स लगा दूँ, क्योंकि फिर मैं इसमें कोई भी अपना एनिमल घुसा नहीं पाऊँगा, क्योंकि दरवाजे से तो लोग घुसेंगे नहीं। और यहाँ पे मुझे टॉर्च भी लगाना पड़ेंगे, जिसमें टॉर्च भी लगा दिया मैंने इसमें, अभी एकदम ऐसा लुक आ रहा है यहाँ पे इसका। तो यहाँ पे मैं स्लैब्स भी सोच रहा हूँ यहाँ पे लगा दूँ, कि यहाँ से मैं गिर जाता हूँ बार बार ऐसे मैं, लेकिन जा नहीं पाऊँगा। और यहाँ पर लगा देते हैं अपना स्लैब्स, और स्लैब में ऊपर लगा देता हूँ, ऊपर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी कुछ ऐसा लुक आ रहा है यहाँ पर, जो यहाँ से नीचे जा भी नहीं सकते अब, ये सही है। और यहाँ पर भी मैं दो स्लैब लगा देता हूँ, दो ब्लॉक तोड़ के, जो एक कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसका, जो कि ठीक ही ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और अब चलते हैं जल्दी से बाहर और फिर और काम करते हैं यहाँ का। तो बाहर में यहाँ पे मुझे दो, मैंने यहाँ पे देखा कि मैं अपने ऊपर वाले यहाँ पे एक भी मैं यहाँ पे खिड़की नहीं पकाई थी, तो यहाँ पे मैंने दो विंडो बना ली है। और यहाँ से हम लोग बार बार ऐसे जंप करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ एक
अपने ही बेल्स ताकि मैं ऐसे जंप करूँगा तो बिना डैमेज कर लूँगा, और मैंने नीचे भी ऐसे ही लगा दिया कि और ही बेल्स ताकि मैं ऐसे नीचे भी जंप करूँ तो मुझे कोई डैमेज नहीं मिले। एक बार करके देखते हैं 3-2 को, तो देख सकते हो एकदम सही वर्क कर रहा है ये सब। और एक प्रेशर बटन यहाँ भी लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पर कुछ ऐसा वर्क करेगा, एकदम मस्त लग रहा है। तो अपना घर लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, और ज़्यादा कुछ भी करने है नहीं। तो इस पेड़ के ऊपर से हम लोग यहाँ से MLG भी कर सकते हैं, और यहाँ से अपना फार्म कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ से देख सकते हो मैं इस नीचे गिरूंगा तो पानी में गिरूंगा। अच्छा ये बनी मुझे तब से घूर रहा है और ये भाग ही जा रहा है बहुत स्पीड में, तो इसको भी जल्दी से मार देता हूँ मैं। और यहाँ से मेरे आयरन इंगट भी जो है बन चुके हैं, और पूरे 10 आयरन इंगट आ चुके हैं मेरे पास। इससे मैं एक आयरन ब्लॉक बना सकता हूँ, क्योंकि हमें 9 आयरन लगते हैं एक आयरन ब्लॉक बनाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे आयरन के टूल्स और पिकक्स ही बना सकता हूँ, तो बाद में बनाएंगे उससे पहले भी मैं नॉर्मल स्टोन पिकक्स से पूरे स्टोन लाता हूँ। और यहाँ पे सन कितना मस्त दिख रहा है अभी देख सकते हो, अभी हम लोग सनसेट में सन दिख सकते हैं, अभी कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ का व्यू, और वो रहा सन। तो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि नीचे माइन करूँ, और यहाँ पे ग्लाइडर भी कैसे कैसे हैं। और ये वही जगह है जहाँ पर मुझे अपने फ्रेंड का छुपाया हुआ चेस्ट मिला था, तो यहाँ पे टॉर्च लगा देता हूँ जल्दी से मैं। तो यहाँ पे कॉबल स्टोन भी मिल चुका है, यहाँ पे आयरन भी है, तो भाई एकदम मस्त चीज़ है अपने पास। यहाँ पे आयरन भी मिल चुका है मुझे, और यहाँ मैंने बना लिया है करीब अपने एक पिकैक्स, और चलते हैं फिर से नीचे। और यहाँ पर मैं माइनिंग करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर वो अंडरग्राउंड वाला रूम भी मिलेगा जो उस विलेजर का था, जो कि मैंने यहाँ पर बंद कर दिया था उसको पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर मुझे फिर से उसमें बना सकता हूँ, यहाँ पर उसको तोड़ता हूँ मैं, यहीं पर कहीं मिलेगा वो रूम मुझे। तो वो रूम मुझे मिल चुका है, ये रहा वो रूम जो काफ़ी मस्त लग रहा है अभी भी। और यहाँ पर उसको मैं अच्छे से एकदम एक रूम जैसा शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो अभी एकदम मस्त लग रहा है। यहाँ पर मैं स्लैब्स भी लगा देता हूँ, मैं स्टेयर लगा देता हूँ ताकि थोड़े सही दिखे। तो ये स्टेयर उल्टा लग गया गलती से, अभी ये सही लग गया। और चलते हैं यहाँ से नीचे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है अपना लुक। तो यहाँ से मैं यहाँ पर मैं एक टेराकोटा लगा देता हूँ ताकि मुझे ये जगह याद रहे, मैं भूलूँ ना इसको। तो एक मिनट, ये लग गया टेराकोटा भी। और ये अपना घर लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, तो कुछ ऐसा अपना घर दिख रहा है अभी बनने के बाद पूरा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।